वेलकम टू हनुमत एडियो चैनल। तो आज हम लोग घी से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट बातें जानेंगे कि घी का क्या महत्व है हमारे लाइफ में। तो आइए शुरू करते हैं। दूध से बनाए जाने वाले पदार्थों में घी सर्वश्रेष्ठ है। ये देशवासियों का दुर्भाग्य है कि गाय भैंस पालने की अपेक्षा धनवान और समर्थ लोग कुत्ते पालते हैं, पर गाय भैंस पालने का कष्ट नहीं करते। गांव-गांव और शहर-शहर में डेयरी यानी गौशाला के रूप में व्यवस्था कर और भैंसों का पालन किया जाए तो देश भर में दूध घी उपलब्ध हो सकता है। लेकिन जैसे हालात हो गए हैं और होते जा रहे हैं, उन्हें देखकर हमें एक श्लोक याद आ रहा है जो कि है, तनम सत्य करने दधि स्वप्ने न दृश्यते। दुग्धस्थ तरीका वार्ता तनर्कस्य दुर्लभम। अर्थात घी का तो कानों से नाम ही नहीं सुना और दही कभी सपने में भी नहीं दिखाई दिया, दूध की क्या बात की जाए। छाछ की स्थिति यह है कि धन ऐश्वर्य वालों को भी नसीब नहीं होता। ईश्वर न करे भविष्य में कभी ऐसी स्थिति भी शाकाहारी वर्ग के लिए तो घी इस कलयुग में अमृत के समान है। घी गाय भैंस और बकरी के दूध से ही आमतौर पर बनाया जाता है। सब प्रकार के घी में गोघृत सर्वश्रेष्ठ होता है। घी में कैलोरीज सर्व अधिक मात्रा में अर्थात 100 ग्राम में लगभग 100 कैलोरीज पाई जाती हैं। गाय का घी नेत्र ज्योति के लिए विशेष रूप से हितकारी होता है। भैंस का भी जहां भारी कफकारक और आलस्य पैदा करने वाला होता है, वहां गाय के दूध का घी उसकी अपेक्षा कम भारी कफनाशक और स्फूर्तिदायक होता है। इसके उपयोग की बात करें तो नया घी आहार के लिए और पुराना घी औषधि के रूप में उपयोगी होता है। एक वर्ष के बाद घी पुराना हो जाता है तो घी का उपयोग रसोई के व्यंजन बनाने, तलने, भगाने तथा रोटी पर लगाने में तो प्रयोग किया ही जाता है। साथ ही इसका उपयोग औषधि के नुस्खों में भी किया जाता है। तेल की अपेक्षा घी का उपयोग करना अच्छा होता है क्योंकि तेल खाने में जहां पित्तकारक होता है और एसिडिटी पैदा करता है, वहां घी पित्त का शमन कर एसिडिटी को समाप्त करता है। मैं आपको घरेलू इलाज के कुछ ऐसे प्रयोग बताता हूँ जिनमें घी का उपयोग किया जाता है। तो पहला नुस्खा है, अगर आपको हिचकी आ रही है तो हिचकी चलती है तो उसके लिए 1-2 चम्मच ताज़ा घी ज़रा सा गर्म कर लेना चाहिए, हिचकी चलना बंद हो जाएगा। दूसरे नुस्खे की बात करें तो अगर गला बैठा है तो 2 चम्मच ताज़ा घी में पीसी काली मिर्च डालकर गर्म करें और ठंडा कर लें। भोजन के बाद इसका सेवन करें तो जो आपका गला बैठा हुआ है वो साफ हो जाएगा। तीसरा नुस्खा है, जो दुबले पतले शरीर के और कमज़ोर आंखें वालों के हो, उन्हें प्रतिदिन गाय का घी 2 चम्मच और 2 चम्मच पीसी मिश्री मिलाकर भोजन के साथ या दिन में कभी भी एक बार खाना चाहिए। 2 माह में इसका असर दिखने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ घी से जुड़ी बातें। अगर आपको भी शुद्ध देसी गाय का घी चाहिए तो हमारे यहाँ आप जानते ही हैं कि देसी गाय है, तो आप हमसे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और गाय का शुद्ध देसी घी का सेवन करें और अपना शरीर स्वस्थ रखें। धन्यवाद।